एवरीवन, गुड मॉर्निंग. इट्स 9:25 राइट नाउ और अभी जस्ट मैं सोकर उठी हूँ. वैसे तो मैं 7:30 तक 4-5 डेज से उठ जा रही थी, लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया. और आज क्रिसमस है, सो मैरी क्रिसमस एवरीवन. होप आपका दिन बहुत 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 अच्छा जाए और आपके साथ मेरा भी दिन अच्छा जाए. सो मैं चल रही हूँ थोड़ी सी वॉकिंग करने, उसके बाद मैं फ्रेश होंगी, उसके बाद मैं जाऊँगी ब्रेकफास्ट के लिए. और ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, जिसमें है पराठा, आलू की सब्जी विद चाय. सो मैं ब्रेकफास्ट करके आप लोगों से मिलती हूँ. और आज का पहला सेशन मैंने स्टार्ट करा है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, बिकॉज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है हमारे बैच में. सो इसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसा कि मैंने बोला था कि मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और क्लास भी मतलब जो भी मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है वही अटेंड कर रही हूँ. बाकी आप सभी को बताया, मैंने बताया हुआ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी अच्छी है, सो इस वजह से मैं क्लास नहीं कर रही हूँ. सो मैंने डिसाइड करा है जब तक हमारे बैच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलती रहेगी तब तक मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करूँगी और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी. हाँ, वो मतलब इनऑर्गेनिक फिजिकल भी दूंगी टाइम, लेकिन अभी ऑर्गेनिक चल रही है तो इसको भी तो टाइम देना है ना, क्योंकि फिजिकल इसके पहले चल रहा था तो उसको तो टाइम दे ही रहे थे, बट अभी ऑर्गेनिक चल रहा है तो इसको भी टाइम देना जरूरी है. और कुछ लोग बोल भी रहे थे कि जो आपका स्ट्रांग है, कमेंट सेक्शन में मेरे को ऐसे आए थे कमेंट्स कि जो आपका स्ट्रांग है उस पे ज़्यादा फोकस मत करो, जो नहीं स्ट्रांग है उसको फोकस करो. तो देखो, जो नहीं स्ट्रांग है उस पे भी ज़्यादा फोकस करना तो बनता है, लेकिन जो स्ट्रांग है उस पे भी फोकस करना बनता है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि अगर आप उस पे ध्यान नहीं दोगे तो वो भी दिमाग से निकलने लग जाएगा. कितना भी कोई चीज़ स्ट्रांग हो, वीक हो, एक बराबर हो जाता है अगर आप उसको टाइम नहीं दोगे तो. सो इसलिए मैंने डिसाइड करा है कि हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को एकदम अच्छे से टाइम देना है. ऐसा ना लगे भाई उसको टाइम नहीं दिया, उसको टाइम दिया, फिर वो बेचारा नाराज हो जाए. और सुबह के टाइम में यहाँ पे बहुत अच्छी वाली धूप आती है, तो मैंने सोचा आज धूप में ही बैठ के रिवाइज करेंगे. सो मैं यहाँ पे बैठ के रिवाइज कर रही हूँ. और सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं यहाँ पे क्योंकि बारिश हुई थी. बाय द वे, आपके उधर, आपके साइड क्या सर्दियों का क्या हाल है, कैसी सर्दी है, ज़्यादा वाली, कम वाली? इधर तो बहुत कम थी, लेकिन जब से बारिश हुई है तब से ज़्यादा सर्दी हो गई है. अंदर मैंने ब्रेक लिया था और ब्रेक टाइम में मैं इधर थोड़ा सा वॉकिंग कर रही हूँ. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करने के बाद मैंने ब्रेक लिया था और अब मैं जा रही हूँ बायो पढ़ने, बायो रिवाइज करने. इसके पहले मुझे ये सब यहाँ से हटाना पड़ेगा, सब फैला के रखा है मैंने, क्योंकि सफाई ज़रूरी है. लोग सोच रहे होंगे ये माचिस यहाँ पे क्या कर रहा है. यार मेरे को भी नहीं पता ये यहाँ पे क्या कर रहा है और कैसे आया, मतलब कोई काम ही नहीं था इसका, फिर यहाँ आया कैसे? रुको मैं सोचती हूँ. और ये है मेरी टू डू लिस्ट वाली डायरी, जो कि काफ़ी गंदी हो पड़ी है. सो इसकी सफाई करनी पड़ेगी, इन सबको पोछना ओछना पड़ेगा. सो और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसके बारे में मैं किसी वीडियो में ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को, बहुत हेल्पफुल है. ठीक है, तो पहले सफाई कर लेते हैं. देखो कितना डस्ट पड़ा हुआ है, देख पा रहे हो आप लोग कितना डस्ट पड़ा है, सब साफ करना पड़ेगा मुझे. चैप्टर रिवाइज करने जा रही हूँ. सो प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करा था तो इसको भी ख़त्म करके छोड़े, बाकी का चैप्टर तो मैंने रिवाइज करा है. अभी बैच में पढ़ाया तो नहीं गया है यहाँ तक, लेकिन रिवाइज करा है. सो ये वाला चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं एक बारी. आई थिंक प्लांट फिजियोलॉजी तो ख़त्म हो जाएगा, बस बैच में जो चलेगा उसको भी मैं करूँगी, क्योंकि एनसीईआरटी है तो इसे बार बार रिवाइज करना तो बनता है. अगर बार बार आप रिवाइज नहीं करेंगे तो ये चीज़ें तो आपके दिमाग से निकलेंगी ही निकलेंगी. एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को हल्के में मत लो, बहुत भारी पड़ सकती है. एंड आप में से कुछ लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि नीट 2022 में बायोलॉजी में आपके कितने स्कोर थे, मतलब सेपरेट स्कोर बायोलॉजी में कितना था. तो मेरा नीट 2022 में बायोलॉजी में 345 मार्क्स थे आउट ऑफ 360. एंड टू बी ऑनेस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने एनसीईआरटी पे फोकस करा था और कोई बुक मैंने फॉलो नहीं करा था बायोलॉजी के लिए, इस वजह से है. आप में से काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते रहते हो ना कि बायोलॉजी के लिए कौन सी बुक फॉलो करो, तो एनसीईआरटी सब कुछ है यार, एनसीईआरटी पे ही फोकस करो. एनसीईआरटी को जितना बार हो सके उतना बार रिवाइज करो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. बट हमारे बीच में ये भी प्रॉब्लम आती है कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास ना तो ज़्यादातर बुक अवेलेबल है, ना तो ज़्यादातर कोई एप्लीकेशन अवेलेबल है. बट एक एप्लीकेशन अवेलेबल है जो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, वो है मेमोनीट. मेमोनीट एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट है. एंड यू नो व्हाट, यहाँ पे सारे
क्वेश्चंस आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की लाइनों से ही मिलेंगे। एनसीईआरटी के हर एक लाइन से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड यू नो व्हाट, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस नीट 2022 के पैटर्न पर अरेंज किए गए हैं। नीट 2022 का अगर आपने पेपर दिया होगा या फिर पेपर देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसमें कैसे कैसे टाइप्स के क्वेश्चंस आए थे या कैसे कैसे टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसी बेसिस पर क्वेश्चंस अरेंज किए गए हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस ड्रैग एंड ड्रॉप के फॉर्म में मिलेंगे, जंबल्ड वर्ड्स के फॉर्म में मिलेंगे, फ्लैश कार्ड के फॉर्म में मिलेंगे एंड बहुत सारे स्टेटमेंट्स टाइप के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। इस बार जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था एंड असर्शन रीजन टाइप्स के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और अगर केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें दो स्पेशल सेक्शन आपको मिल जाएंगे, स्पेशली फॉर फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक नेम्ड रिएक्शन। इन दिस सेक्शन यू विल लर्न एंड प्रैक्टिस द फॉर्मूला, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। एंड यू नो वॉट, सेम काइंड ऑफ फॉर्मूला सेक्शन अवेलेबल फॉर फिजिक्स। आप इस सेक्शन में फिजिक्स के फॉर्मूला को याद कर सकते हैं और वापस आकर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड फिजिक्स सेक्शन में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे एंड 30 प्लस ईयर्स के आपको PYQs भी मिलेंगे विद वीडियो सॉल्यूशन। फॉर एडिशनल डिस्काउंट आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं Roly300, जिससे आपको 300 का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट नहीं बल्कि चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे सकते हो। अलॉन्ग विद दिस आप यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके साथ आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है एंड जो भी आप टेस्ट दे रहे हो चैप्टर वाइज फुल लेंथ टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है। सो या दिस इज अमेजिंग एप्लीकेशन, आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। एंड इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू चेक इट आउट। एंड नाउ इट्स लंच टाइम। लंच में है दाल चावल सब्जी अचार। रोटी मैंने नहीं लिया क्योंकि रोटी मुझे नहीं खानी थी, मुझे चावल ही खाना था, तो इसलिए ज़्यादा मैंने थोड़ा चावल ले लिए। इट्स 3 o'clock एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो अभी मैं फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस नहीं है। आई थॉट कि चलो आज प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कितना है दम। ओके सो और काफ़ी लोग मेरे से ये पूछ रहे थे, काफ़ी लोग मतलब मैं ये वर्डिंग क्यों यूज़ करती हूँ, काफ़ी लोग मतलब बहुत सारे लोग, चलो कभी कभी चेंज कर दिया करूँगी मैं, बहुत सारे लोग आप लोग। ओके सो आप लोग में से ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आपने रूम चेंज कर दिया है, हॉस्टल चेंज कर दिया है क्योंकि आपका बैकग्राउंड दूसरा लग रहा है। सो या मैंने रूम चेंज कर दिया है, बट आप लोगों ने मुझे बताया नहीं कि ये बैकग्राउंड कैसा लग रहा है। बेसिकली ये बैकग्राउंड मुझे थोड़ा सा सही इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे सनलाइट आती है, नेचुरल लाइट आती है, तो थोड़ा आँखों के लिए भी अच्छा है, आँखों पर बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो ये ठीक है, धूप भी आती है यहाँ पर। और ये मेरा लास्ट सेशन है आज का क्योंकि इसके बाद मैं जाऊंगी थोड़ा बाहर, क्योंकि आज क्रिसमस है तो थोड़ा डिस्काउंट चला है और मुझे सर्दियों के कुछ कपड़े लेने थे क्योंकि सर्दी बढ़ गई है यार, तो हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो पढ़ाई की ऐसी की तैसी होने में टाइम नहीं लगता है। सो इस वजह से, और जहाँ पर भी डिस्काउंट मिले वहाँ पर छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। सो वैसे तो ये वीडियो पता नहीं कब पब्लिक होगी, बट जब भी पब्लिक होगी तो आप बताना कि आपने क्रिसमस पे क्या क्या किया था, आपने क्रिसमस में क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करें। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बोला था कि आप लोग कमेंट करने में कंजूसी करते हो, सो मेरे को मैरी क्रिसमस बोल देना कमेंट करके, तो बहुत सारे लोगों ने भर भर के कमेंट करा था, भर भर के मेरे को विश किया था, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। उसी तरह इस वीडियो को भी लाइक कर देना एंड हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में जो कल आएगा। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।